हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आज हम प्रश्नावली 2.5, हम दूसरा चैप्टर बहुपद उसके बारे में पढ़ाई कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.4 तक पढ़ा था, तो अब हम आगे की प्रश्नावली यानी कि 2.5 उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों, आपको ये जो फॉर्मूला यहाँ पे है दिख रहा है, एक्स प्लस ए ब्रैकेट में एक्स प्लस बी, तो उसका फॉर्मूला आएगा एक्स वर्ग प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी एक्स प्लस ए गुणा बी। ये सिंपल फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि ये फॉर्मूले से ही ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब हल किए जाएंगे, ठीक है? तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपको कहा गया है कि उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया है एक्स प्लस फोर और एक्स प्लस दस, तो यहाँ पे मैंने जस्ट अभी आपको फॉर्मूला बताया, वो फॉर्मूला ही यूज करना है आपको। तो देखो यहाँ पे एक्स वर्ग प्लस ए प्लस बी की जगह पे ए है 4, बी है 10, तो 4 प्लस 10 ऑल ब्रैकेट खत्म x प्लस 4 गुणा 10, तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा x वर्ग प्लस 14x प्लस 40। ओके, ठीक वैसे ही दूसरा क्वेश्चन है x प्लस 8 और x माइनस 8। हमारा फॉर्मूला वही है, देखो आप ए की जगह पे है 8, बी की जगह पे है माइनस 10, तो एक्स वर्ग प्लस ब्रैकेट में 8 प्लस माइनस 10 एक्स प्लस 8 गुणा माइनस 10, तो आपका आंसर आ जाएगा एक्स वर्ग माइनस 2x माइनस 80। ओके, ठीक वैसा ही है तीसरा, वो तो आप कर ही लोगे। चौथा देखो बट्टे वाला, इसमें आप गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा दोनों ब्रैकेट में सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस का ही डिफरेंस, ठीक है? तो हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा आता था x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स वर्ग माइनस वाई वर्ग, ठीक है? तो उस हिसाब से आप फॉर्मूला बिठाओगे तो वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस 3/2 उसका वर्ग, तो आपका आंसर आ जाएगा वाई की 4 माइनस 9/4। ओके, समझ में आ रहा है सबको? नेक्स्ट फिर दिया है 3-2x और 3+2x, इसमें भी वही फॉर्मूला यूज़ करना है, तो 3 का वर्ग यानी कि 9, 2x का वर्ग यानी कि 4x स्क्वायर, आपका आंसर मिल गया। तो ये पूरा क्वेश्चन, ये जो दो फॉर्मूले है वो दो फॉर्मूला की मदद से आपको समझ में आ सकते हैं। इसलिए सबसे पहले अगर आपको फॉर्मूला नहीं आ रहे हैं तो सबसे पहले वो सीख लो, बाद में इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करना, ठीक है? चलो अब आगे वैसा ही है लेकिन थोड़ा ट्विस्ट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2, आपको कहा गया है सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए।
सीधा गुणा नहीं करना। तो देखो 103 गुणा 107, 103 को हम लिख सकते हैं 100 + 3, और 107 को हम लिखेंगे 100 + 7। ठीक है, देखो इसमें पहला जो है पद वो सेम आना चाहिए। देखो x प्लस है, x प्लस b, तो दोनों में x x सेम आ रहा है। यहाँ पे भी देखो 100 और 100 सेम आ रहा है, तो 100 का वर्ग प्लस 3 + 7 गुणा 100 प्लस 3 × 7, 100 का वर्ग तो वो होगा 10,000। इसका भी सिंपल है, जितने भी शून्य हैं उसका डबल कर दो। अगर एक है तो 2 हो जाएगा वर्ग करते टाइम, 2 है तो 4 हो जाएगा, फिर 7 और 3 = 10, 10 × 100 = 1000, 7 × 3 तो 21। तो आपका फाइनली आंसर आ रहा है 11,021। ओके, ठीक वैसे ही अब देखो नीचे 96 और 95, 95 और 96, 95 मतलब 100 - 5, और 96 मतलब 100 - 4। दूसरी तरीके से आप कर सकते हो 90 + 5 और 90 + 6, यह भी आप कर सकते हो। तो अब फॉर्मूला बिठाया तो 100 का वर्ग प्लस -5 प्लस -4 गुणा 100 प्लस दोनों का गुणा यानी कि -5 और -4, 100 का वर्ग होगा 10,000, इसका -900 और +20, तो आंसर लास्ट में बचेगा 9,120। ठीक है, अब देखो आपको दिया है 104 × 96, 104 यानी हमें पता है 100 + 4, और 96 मतलब 100 - 4। देखो इसमें दोनों में सिर्फ और सिर्फ माइनस का ही डिफरेंस है, पहला और पहला समान, दूसरा और दूसरा भी समान, सिर्फ प्लस माइनस का नॉर्मल डिफरेंस है। तो इसमें फॉर्मूला चेंज हो जाएगा एक्स वर्ग माइनस वाई वर्ग, तो 100 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग, 100 का वर्ग होगा 10,000, उसमें से माइनस करूंगा 16, तो आंसर आ जाएगा 9,984। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स ये दोनों क्वेश्चन सिर्फ दो फॉर्मूला के ऊपर ही डिपेंड है। सिर्फ आपको अगर फॉर्मूला में समझ आ गई तो कोई भी एग्जांपल आपके सामने रख दे, आप कोई भी एग्जांपल का बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, इजीली आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी है फॉर्मूला याद होने चाहिए सभी आपको, और आपकी प्रैक्टिस कितनी है वो भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्न में से प्रत्येक का गुणनखंड करो। चैप्टर नंबर 2 बहुपद गुणनखंड ढूंढने को आया था आपको, और 10वीं में भी आएगा। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला ऐसा कुछ था, आपको याद होगा, तो यहाँ पे दिया a प्लस b का वर्ग होता है, तो हम लिखते हैं a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग, a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। अगर a प्लस b ऑल स्क्वायर का हम ऐसा लिख सकते हैं, तो अगर ऐसा है कि भाई a वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग, तो हम ऐसा लिख ही सकते हैं कि a प्लस b ऑल स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, पहला और तीसरे का वर्गमूल निकाल दो, अगर प्लस बीच में है तो प्लस,
माइनस है तो माइनस वो बीच में डाल दो और पूरे का स्क्वायर कर दो। अब देखो 9x वर्ग 6xy प्लस वाई स्क्वायर, मैंने कहा था वैसे पहले का वर्गमूल 3x तो ऑल स्क्वायर, लास्ट का वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर, बीच वाला हमारा फॉर्मूला के हिसाब से 2ab या तो 2xy तो 2x मतलब 3x और b मतलब y। ओके, आपका आंसर आ गया। ठीक वैसे ही दूसरा 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, पहले का वर्गमूल 2y, लास्ट का वर्गमूल 1 का वर्गमूल तो 1 ही, तो उसमें भी a माइनस बी ऑल स्क्वायर वो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है चलो आगे, तीसरा यानी कि c एक्स वर्ग प्लस माइनस वाई स्क्वायर बट्टे में 100। तो ये देखो फॉर्मूला हमारा कुछ ऐसा है, एक्स वर्ग माइनस वाई वर्ग एक्स वर्ग माइनस वाई स्क्वायर बट्टे में 100। तो अब एक्स वर्ग का वर्गमूल एक्स, वाई स्क्वायर बट्टे में 100 उसका वर्गमूल वाई बट्टे में 10 ऑल स्क्वायर। तो ये तो हमारा फॉर्मूला बन गया। तो देखो एक्स प्लस वाई बट्टे में 10 और एक्स माइनस वाई बट्टे में 10। ओके तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 ख़त्म होता है। ठीक है इन सभी फॉर्मूले जो भी अभी हम यूज़ कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं 7 स्टैंडर्ड से आ ही रहे हैं। ठीक है इसलिए जिसको भी ये फॉर्मूला अच्छी तरह से आता है उसको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जिसको कुछ फॉर्मूला में समझ ही नहीं आ रहा है तो उसको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। फिर भी आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करोगे तो आपको फॉर्मूला भी आ जाएंगे और आपका आंसर भी आ जाएगा अगर प्रैक्टिस करोगे तो। ठीक है अब आगे पढ़ते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 4। आपको कहा गया है उपयुक्त सर्व समीकरणों के प्रयोग से प्रसारित कीजिए। यहाँ पे देखो 3 पद है और उसका वर्ग, अभी तक हमने 2 पद वाले फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस वाई ऑल स्क्वायर तो उसका फॉर्मूला हमें पता था एक्स वर्ग प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन जब 3 पद दिए हो और उसका वर्ग हो तब क्या होता है। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ऑल स्क्वायर दिया है तो सबसे पहले तीनों को वर्ग दे दो, एक्स वर्ग प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड, फिर प्लस 2xy, फिर प्लस 2yz, फिर प्लस 2zx। वो फॉर्मूला याद कर लिया आप। अब ये फॉर्मूला अगर आता है तो ये इजी ही है। देखो पहला ही एग्जांपल एक्स प्लस 2y प्लस 4z पूरे की 2 घात, पहले का वर्ग यानी कि x वर्ग, दूसरे का 2y का वर्ग, तीसरे का 4z का वर्ग, फिर 2xy, 2 का 2 x का x, y मतलब 2y, दूसरे का 2yz, 2y और 4z। तो फॉर्मूला बिठा दिया, अब सबका वर्ग कर दो तो x वर्ग फिर 2y का 4y स्क्वायर 16z स्क्वायर 2 गुणा 2 तो 4xy, 2 दूनी 4 4 गुणा 4 तो 16yz प्लस 8xz, आपका आंसर मिल गया। देखो अगर कोई क्वेश्चन में सभी प्लस है
तो एकदम आसानी से इजीली से हमें आंसर मिल जाएगा। लेकिन कई एग्जांपल में माइनस दिया जाता है, तो अगर आपको माइनस दिया जाता है तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बस अपना जो फॉर्मूला है उस हिसाब से आगे बढ़ते जाओगे तो आपका आंसर ज़रूर मिल जाएगा। यहाँ पे देखो दूसरा क्वेश्चन, 2x - y + z² अपने फॉर्मूला के हिसाब से ही आप आगे बढ़ोगे, पहले का वर्ग प्लस अगर दूसरा या तो तीसरा या तो पहला माइनस दिया है तो ब्रैकेट में माइनस के साथ उसका वर्ग कीजिए, इसलिए -y² + z² फिर हमारा था 2xy, पहला और दूसरा का गुणा और उससे गुणा दो, तो दो पहला है 2x, दूसरा है -y। यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना प्लस मत डाल देना क्योंकि दूसरा है वो माइनस वाला, इसलिए फिर 2 - y z, फिर 2 पहला और दूसरा है यानी कि 2x और z। वर्ग करोगे तो 4x² + y² + z² फिर माइनस और प्लस तो माइनस आगे 2 × 4 तो 4xy, फिर 2 - yz तो -2yz और लास्ट में 2 × 4 तो 4xz, ठीक है। तो ऐसे सभी एग्जांपल वही है, देख लो आप, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि माइनस और प्लस ऐसे चिन्ह में आप मिस्टेक ना कर बैठो। तीसरा भी वैसा है, चौथा भी वैसा ही है, पांचवा भी वही है, अब एफ वाला है वो थोड़ा देख लेते क्योंकि वो बट्टे वाला है, इजी है, कोई हार्ड नहीं है। लेकिन क्या हमारी मेंटालिटी ऐसी हो गई बट्टे वाला हो पॉइंट वाला हो तो हम तुरंत कहते हैं सर ये कीजिए ना, हम कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब तक आपके सामने मुश्किलें नहीं आएगी तब तक आप लड़ना कैसे सीखोगे, ऐसे एग्जांपल सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो एग्जाम में क्या होगा। फिर भी देख लेते हैं, हमें पता चल गया कि भाई 3 पद हैं तो फॉर्मूला वही रहेगा, तीनों को सबसे पहले वर्ग दे दो, फिर हमारा फॉर्मूला 2xy, तो 2x मतलब 1/4 है, y मतलब -1/2b, फिर 2yz, फिर 2zx, उस हिसाब से आप डालते जाओगे वैल्यू, तो पहले का वर्ग a वर्ग 16, दूसरे का बी वर्ग 4, तो हमारे फॉर्मूला के हिसाब से सब बिठाना है। तो xy x की जगह पर
वाई माइनस फोर जेड ऑल स्क्वायर आया। देखो यहाँ पे उल्टा आया। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि नित्य सम जो होता है उसके गुणनखंड, लेकिन अब गुणनखंड दिया जाता है तो उसमें से क्वेश्चन बनाने हैं हमें। जैसे कि देख 2x प्लस 3y माइनस 4z का ऑल स्क्वायर। चलो आगे दूसरा 2x वर्ग प्लस y वर्ग प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2x xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। ऐसा है, तीन पद आपको पता चल गए, 2x वर्ग प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z। अभी हमें पता है कि दो किसी का वर्ग नहीं, किसी का वर्ग नहीं है तो उसको आप √2x लिख सकते हो। वाई स्क्वायर का तो निकल जाएगा वाई, 8 का वर्ग नहीं है किसी कोई, 8 यानी कि 4 × 2 = 8, 4 का वर्गमूल तो हमें पता है तो 2 √2 उसका भी वर्गमूल निकल गया। तो अब हमारे पास जो तीन संख्या लानी थी ए बी और सी वो तो आ गई, या तो एक्स वाई जेड आ गया, फिर 2xy 2yz 2zx उस हिसाब से आप बिठा दोगे सभी वैल्यू तो आपका आंसर आ जाएगा √2x प्लस वाई प्लस 2 ऑल स्क्वायर। ठीक है, देखो कहीं रूट आ जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा बैठ रहा है उस हिसाब से आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपको कभी भी कोई क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, और मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ कि आप जो भी वीडियो आपको मिल रहे हैं या तो ग्रुप में सेंड हो रहे हैं वो सभी वीडियो आप देखो, फिर उसमें से जो भी पॉइंट अच्छे लगे वो नोट डाउन करो। आप देख रहे हो कि लॉकडाउन के ऑलरेडी 9 या 10 महीने हो गए हैं और तब से हमने कुछ भी पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो अब आपको अंदर से ऐसा फील होना चाहिए कि चलो मैं थोड़ी बहुत अभी जितने भी टाइम बचा है उसमें थोड़ी बहुत तो पढ़ाई करूँ। सिर्फ पूरे दिन में आपको 1 या 1.5 घंटा देना है, क्या वो भी आप नहीं कर सकते हो? ये सब चीज़ें मैं जो कह रहा हूँ इसमें मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है दोस्तों। ठीक है, लेकिन ये जितना प्रैक्टिस करोगे, जितने एग्जांपल काउंटिंग करोगे, वो फ्यूचर में कहीं ना कहीं आपको ज़रूर काम आ सकते हैं, इसलिए मैं ये सब चीज़ करवा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए सिर्फ देखो मत वीडियो को, साथ में एक बुक और एक पेन वो भी लेके बैठो, जो जो फॉर्मूला आ रहे हैं, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आ रहे हैं वो सब के नीचे बुक तो है ही आपके पास, अंडरलाइन करती जाओ। फिर फॉर्मूला है वो भी अपनी जो भी मैथ्स की बुक है उसमें कहीं नोट डाउन कर दो, और ये फॉर्मूले आपको याद रहेंगे तब भी आप एग्जांपल कर पाओगे। फॉर्मूला के बिना आप एक भी एग्जांपल का आंसर नहीं ला पाओगे। ठीक है, इसलिए सबसे पहली प्रायोरिटी आप फॉर्मूला को देना, क्योंकि फॉर्मूला आएंगे ही तो ही आगे आप बढ़ जाओगे। ठीक है, तो आज हम प्रश्न 5 गुणनखंड कीजिए यहाँ तक ही रखते हैं। आप आज जितने भी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये पांचों के पांचों क्वेश्चन आप अपनी मैथ्स की बुक में अच्छे से लिख देना, और जो फॉर्मूला जितने भी आए हैं आपको मैंने दिखाए भी है, वो फॉर्मूला सभी आपको एक अलग पेज में लिख देना है और कहीं आप चिपका दो या तो अपनी जेब में रख दो, क्योंकि यह फॉर्मूला आएगा तो ही मैथ्स में आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। ठीक है, इसलिए यह फॉर्मूला आप अपनी बुक है वहाँ ऊपर की साइड भी लिख सकते हो,
ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं। आगे का जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। लेकिन जितना जो जो मिल रहा है आपको, आप उतना ज़रूर करना। और मैं ऐसी आशा रखता हूँ कि मैं यहाँ पर आपको यहाँ पे जो भी गाइडेंस करता हूँ या तो जो भी पढ़ाता हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ में आए। और फिर भी अगर कुछ ना समझाए या तो कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। और दूसरी एक बात लास्ट में कर रहा हूँ कि आप कभी किसी के साथ कंपैरिजन मत करो कि दूसरा नहीं पढ़ रहा है, घूम ही रहा है, तो चलो मैं भी घूमने जाऊँ या तो उसके साथ खेलो। मन सबका होता है, ठीक है, लेकिन कंट्रोल करना है। सबसे पहली प्रायोरिटी पढ़ाई को देनी है, बाद में अगर टाइम है तो आप अपने फ्रेंड के साथ जा सकते हो, ठीक है। तो इतनी बात याद रखना। और आज के लिए यहाँ पे ही रखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक। आगे का वीडियो में प्रश्न नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, बाय, जय श्री कृष्ण।